देश में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और बिहार में लगातार नेताओं का दल बदलने का सिलसिला जारी है। वीआईपी के नेता जयसिंह राठौर ने बीजेपी का दामन थामा और बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। जयसिंह राठौर ने कहा कि बीजेपी ही एक पार्टी है जो देश में सबके बारे में सोचती है और बीजेपी ही देश का सही विकास कर सकती है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विचारों से प्रभावित होकर मैं भारतीय जनता पार्टी का मैंने साथ चुना है और मुझे आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार देश हित में ये पार्टी काम कर रही है और पूरे देश में बदलाव ला रही है, जाति पाति धर्म सबसे ऊपर उठकर ये बहुत बेहतरीन काम कर रही है, तो हम जैसे युवाओं का एक दायित्व भी बनता है, कर्तव्य भी बनता है कि हम लोग सही राजनीतिक दल में जाएं और लोगों को सही राजनीतिक दिशा बता पाएं, क्योंकि कुछ भी बदलाव लाने के लिए एक सही राजनीतिक दल और एक सही राजनीतिक दिशा होनी बहुत जरूरी है किसी भी आम आदमी के भीतर। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है बहुत बेहतरीन काम कर रही है और मुझे लगता है कि पूरे देश में ऐसी कोई दूसरी पार्टी नहीं है जिसमें मेरे जैसा युवा या मेरे जैसे सोच रखने वाला युवा उसको ज्वाइन कर सके। इससे पूर्व मैं वीआईपी पार्टी में था और मैंने 4 साल उसमें काम किया है एज अ प्रदेश अध्यक्ष कला संस्कृति में मैं था उसमें, और अभी मैं फिलहाल मैंने 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। सर, वीआईपी पार्टी छोड़ने का क्या कारण है? वीआईपी पार्टी छोड़ने का कारण देखिए सब ये मेरा व्यक्तिगत कारण है, हालांकि मुकेश सहनी जी हमारे पुराने मित्र रहे हैं और अपने हिसाब से वो राजनीति करते हैं और मेरा जो कारण था, मैं देश हित की बात सोचता हूँ, चाहता हूँ कि भाई देश मेरे लिए सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है और ये पार्टी कहीं ना कहीं एक ऐसे गठबंधन और एक ऐसी चीज़ों में जाके फंस गई जो कि देश के हित के लिए अच्छा नहीं है। तो मैंने कहा ना कि मैं एक जिम्मेवार युवक हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी पार्टी का मैं दामन थामूँ जो पार्टी देश को आगे बढ़ाए, ना कि देश को जाति पाति धर्म इन सब में बांटे। लेकिन सर, विपक्ष तो लगातार कह रहा है कि बीजेपी सिर्फ जातपात की बात करती है, मीट मछली मंगलसूत्र और वो उनके आने से संविधान खतरा में है, आरक्षण की सिर्फ वो लोग बात नहीं। ये गलत बात है, ये बात मैं इस बातों का खंडन करूंगा कि भाजपा ने कभी भी आरक्षण का विरोध नहीं किया है। भाजपा ने कभी भी ऐसा नहीं कहा है कि हम जाति पाति और धर्म की बात करते हैं। ये उन्होंने कभी भी धर्म के आधार पर तो आरक्षण की बात ही नहीं करी है। जिनको भी आरक्षण मिला है वो हमेशा मिलते आएगा, लेकिन हाँ, अगर मैं ये बताऊं कि भाई जो गरीबी जो है वो जाति देखिए तो आती नहीं है। किसी भी जाति का व्यक्ति गरीब हो सकता है, किसी भी जाति का व्यक्ति मतलब छोटी छोटी चीजों के लिए मोहताज हो सकता है। तो हाँ, ये मेरा भी मानना है और मुझे लगता है कि ये उनका भी मानना होना चाहिए कि जो मान लीजिए जो निषाद समाज से आते हैं आज भी 2 वक्त की रोटी खाने के लिए कितना मेहनत करते हैं, ठीक है, लेकिन उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता है क्योंकि वो उस जगह पे है ही नहीं, उनको वो शिक्षा प्राप्त ही नहीं हो पाता है। तो अगर इस तरीके से आरक्षण लागू होगा, इसके फाइनेंशियल के आधार पर आरक्षण लागू होगा, तो मुझे लगता है कि सबको बराबरी का अधिकार मिलेगा।